दोस्तों त्यागी जी टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस टाइम वीडियो अपलोड करनी चाहिए, यानी आपका चैनल खुद बताएगा कि आपके लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं अपने चैनल में आपको करके दिखाऊंगा और आप भी उसी तरीके से अपने चैनल में जाके देख सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेटर टाइम कौन सा है वीडियो अपलोड के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा YT स्टूडियो में। तो मैं यहाँ से अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया। अब यहाँ आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है। व्यू मोर पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नीचे को स्क्रॉल करते हुए व्यूज़ का, ये व्यू का ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ ऊपर से आपको लास्ट 28 डेज दिखाई देगा, लास्ट 28 डेज, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना है रियल टाइम 48 आवर, यानी रियल टाइम 48 घंटे, यहाँ से इसको क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ रियल टाइम 48 आवर शो हो रहा है। और अब देखिए इसको आपको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेना है, अपनी दो उंगलियों से इसको ऐसे जूम कर लेना है। तो दोस्तों ये जूम हो चुका है। और अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे तो आपके व्यू हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये व्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम और डेट। तो देखिए अब मैं आपको कैसे बताता हूँ। तो सबसे जो मेरा सबसे ज़्यादा जो व्यू आया है वो यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरा ये व्यू आया है 6 मार्च को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच रात को। तो यानी आप समझ सकते हैं कि मेरा जो सबसे ज़्यादा व्यू आया है पिछले 48 घंटे में वो आया है 8:30 बजे से रात को 9:30 बजे के बीच। ठीक है, अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। एक मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ सॉरी मैंने दिखा दिया था यहाँ पे, तो इससे अगले मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो 7 मार्च को, ठीक है, वो 6 मार्च का था जो पहले मैंने आपको दिखाया था, ये है 7 मार्च का। तो 7 मार्च का मेरा सबसे ज़्यादा व्यू आया है कितना, 105। और कब आया, 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच सुबह। तो ये मेरा लाइव टाइम है, ठीक है, तो लाइव टाइम में अक्सर व्यू ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 मार्च को शाम को 6:30 से 7:30 बजे के बीच जो मेरे व्यू आए वो 46 व्यू आए। यानी कि अगर मैं अपने लाइव टाइम को माइनस करूँ, ठीक है, लाइव टाइम में मेरा कितना व्यू आया, 105 यहाँ पे, और अगर मैं लाइव टाइम से अलग अपना व्यू देखूं तो यहाँ पे मेरा कितना व्यू आ रहा है, 50 व्यू आ रहा है। और कब आ रहा है, रात को 8:30 बजे से रात को 9:30 बजे के बीच, 1 घंटे में मेरा कितना व्यू है, 50। तो यानी इस टाइम मेरे जो सब्सक्राइबर है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस वॉच करते हैं मेरे सब्सक्राइबर रात को 8:30 से 9:30 बजे के बीच। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपना भी टाइम देख सकते हैं। तो अब मेरे लिए सबसे अच्छा बेटर टाइम रहेगा कि मैं रात को 8:30 से 9:30 बजे के बीच अपनी वीडियो अपलोड करूं, यानी 8:30 से 9:30 के बीच मेरी वीडियो पब्लिश हो जानी चाहिए। और इस तरीके से आप अपना भी जो है देख सकते हैं कि मुझे किस टाइम जो है वीडियो अपलोड करनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि जो YouTube पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है वो शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक होता है। जी हाँ, शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे के बीच में YouTube पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखा जाता है और इसीलिए व्यू भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।